नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है, गुरुदेव ने जो निर्देश दिए हैं वो है कि अपने टैलेंट पर और काम करो, अपने टैलेंट को उभारने का काम करो। अपने टैलेंट का अर्थ क्या होता है? जिस जो जो कुदरती रूप से जो भी जो जो पावर्स, जो जो शक्तियां, जो जो पोटेंशियल हम वहां से लेकर आए हैं, उसको उभारना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। उसके लिए फरमा रहे हैं, अनेक लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके भीतर का जो कमल है वो अधूरा ही रह जाता है, वो बंद ही आता है और बंद का बंद ही निकल जाता है। आप जानते हैं, जब हम चक्रों पर काम करते हैं तो हम बोलते हैं कि चक्रों के अंदर पंखुड़ियां हैं, और पंखुड़ियों जैसे घूमती हैं ना, ऐसे ही आपको अपने भीतर भी हर एक चक्र की अंदर जो पंखुड़ियां हैं, बस ऐसे ही हमारे सबके भीतर पोटेंशियल्स हैं। पंखुड़ियां का मतलब है अलग अलग पोटेंशियल। तो उसके ऊपर काम करके उस पोटेंशियल को उभारने का काम करना चाहिए। अब जैसे अगर मैं बात करूं हमारे चक्रों की, तो जो लोग रूट चक्र पर जीते हैं, मूलाधार पर जीते हैं, उनके जीवन में फिजिकल पोटेंशियल बहुत होता है। जिन्होंने, क्योंकि हम सब ने ये यात्रा करी है, ऐसा नहीं कि मतलब अब यहां से अगर आप ऊपर उठ गए तो भी आपके अंदर ये मौजूद रहती है वो चीजें। जैसे जिनके पास, जो रूट चक्र वाले लोग होंगे ना, इनके पास फिजिकल लेवल का पोटेंशियल बहुत होगा, ताकत, शक्ति, पावर, ये चीजें इनके पास बहुत होंगी। शरीर से बड़े चुस्त होंगे, एक्टिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे। अगर आप रूट चक्र पर अभी भी आपको लगता है कि आपके अंदर ये टैलेंट मौजूद है, यू शुड वर्क ऑन इट। यानी कि डांस सीखें, कुछ एक्टिंग, डांस, या रूट चक्र वाली जो सारी चीजें हैं, या सेना में जाना, फौज में जाना, जो करियर है अगर उससे जुड़े हो, करियर की बात करें या शौक की बात करें, तो रूट पे अगर आपका आप जीते हैं तो इसको, आपको रूट चक्र को एक्सप्लोर करना चाहिए। जब आप इस पर काम करेंगे और बीज मंत्र की चैंटिंग करेंगे, जैसे लम बीज मंत्र है रूट का, तो जब आप इस पर काम करेंगे तो आपके अंदर के वो टैलेंट उभरने लगेंगे, बॉडी और एक्टिव होने लगेगी। अगर रूट आपका ब्लॉक है तो आपका शरीर आलसी बहुत होगा। तो आलस्य को छोड़कर अपने भीतर के इस परम टैलेंट को पहचानने की कोशिश करें, रूट चक्र से को इससे ऊपर उठ जाएंगे आप। तो एक तो ये चक्र से क्लियर हो जाएगा, और एट द सेम टाइम आप अपने टैलेंट को पहचान कर अपने भीतर दुनिया को भी कुछ दे पाएंगे। जिस जो पोटेंशियल आप लेकर आए हैं वो दुनिया को दे पाएंगे। तो इस पर काम करें, देखें अपने ऊपर। जैसे मैं आपको बता रहा हूं अलग अलग चीजें, उसके साथ जुड़े हुए जो प्रोफेशन कहें या शौक कहें, उस पर कुछ काम करें। फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखें, योगा प्राणायाम करके चक्र भी बैलेंस और आपका टैलेंट भी दुनिया के सामने आए। देखिए, जिस जिस का जो स्ट्रॉन्ग है, इससे पहले मैंने एक और वीडियो भी दिया हुआ है कि अगर आप ढूंढें तो कौन से चक्र के साथ कौन सी ताकत, कौन सी पावर्स जुड़ी हुई हैं, या कौन से चक्र बैलेंस होने के सिम्टम क्या है, कैसे पता चले कि मेरे कौन से चक्र बैलेंस है। इस नाम से मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं, कोई भी एक वीडियो देख लें जिससे आइडिया लग जाए कि किस चक्र के पास क्या पावर है। अभी भी मैं आपको कुछ हद तक आइडिया दे रहा हूँ, जरा समझिए। तो रूट चक्र वाले जो लोग हैं, अगर अटके हैं रूट चक्र पर, तो उसको उभारने का काम करें। आपके अंदर आलस्य है तो उसको एक्टिवनेस में कन्वर्ट करें। और शरीर अगर फ्लेक्सिबल है, लचकीला है, तो इस पर काम करें, डांस सीखें या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, इसको परफेक्ट करने के लिए, इसको खोलने के लिए, इसके पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ फिर इसके बाद आता है दूसरा जो चक्र है, वो है सैक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र। तो स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र के अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज के साथ आपकी शौक जुड़े हुए हैं। अगेन, इसको मैं पॉजिटिव लेना, मेरी हर बात को आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। इसमें अगर ये चक्र पॉजिटिव होता है तो आपके अंदर पॉजिटिव शौक पैदा होते हैं। जैसे खाने पीने में
आपकी बड़ी रुचि होती है, तो आप हो सकता है खाना बनाने में आपकी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज हो, अगर ये चक्र आपका स्ट्रोंग है तो। आपके इस चक्र के साथ जुड़े हुए जो टैलेंट है, अगर आपका चक्र स्ट्रोंग है, पावरफुल है, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत होगी। जो भी काम करेंगे ना, क्रिएटिव ढंग से करें। आप उल्टा भी कह सकते हैं, अगर आप किसी काम को बहुत क्रिएटिव ढंग से करते हैं तो ये चक्र खुलने लगेगा। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? क्रिएटिविटी का मतलब है कि जो नॉर्मल ट्रेंड में चीजें नहीं होती ना, उससे हटके करना कुछ। उदाहरण के लिए, घर में एक बेड आपने एक पर्टिकुलर पोजीशन में लगा रखा था, चेंज करो वहां से। आप कपड़े हमेशा एक पर्टिकुलर स्टाइल के ही कपड़े पहनते हैं, चेंज करो उसे, पैटर्न को। उस पैटर्न में कुछ बदलाव लेकर आओ, तो आपके भीतर का कुछ टैलेंट उभरने लगेगा, कुछ बातें बाहर आने लगेंगी। जो चीजें भी कर सकते हैं उस पर काम करो, जो पोटेंशियल, कोई पर्टिकुलर विचार मन में आता है उस पर काम करो, उस पर एक्टिव होने की कोशिश करो कि उस विचार पर मैं क्या उससे मैं शौक पैदा कर सकता हूँ, या कुछ बिजनेस जनरेट कर सकता हूँ, या कुछ आइडिया। यानी ऐसा ना हो कि दिल के अरमासों में बह जाए, जैसे लोग बोलते हैं ना, वैसा नहीं होना चाहिए। कि कुछ आपके भीतर जो है ना, उस पर काम करो, उस पर वर्क करो। स्वाधिष्ठान चक्र अगर स्ट्रोंग है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ गुण मौजूद हैं, उस पर काम करके उसे उभारने का कार्यक्रम करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल। बी क्रिएटिव, हर दिन कुछ नया, कोई नया अंदाज, कोई नया वे, कुछ नया करने की कोशिश करो। तो कपड़ों में, खान पान में, शौक में, कोई भी ऐसा शौक हो सकता है, कोई भी शौक। सैक्रल चक्र जो है, माफ करना, गलत मत समझना, सेक्स एनर्जी है। अगर ये एनर्जी डाउनफॉल में जाती है, जैसे आम संसारी लोगों की सबकी जाती है, तो ये केवल आपको उस वासना की तरफ खींचती है। बट अगर यही ऊर्जा थोड़ी सी ऊपर उठे, तो ये आपके अंदर क्रिएटिविटी बन जाती है, क्रिएट करने की क्षमता है ये। अब क्रिएट क्या करना है? नए थॉट्स, नए भाव। हमारे लिए क्या होता है? मेरे लिए नए वीडियोस, नए मेडिटेशन, नए तरीके लोगों को मोटिवेट करने के, नए तरीकों से, अलग अलग मसाले के साथ। हर रोज आप नमकीन नहीं खा सकते, हर रोज आप मीठा भी नहीं खा सकते, हर रोज आप खट्टा भी नहीं खा सकते, लेकिन कभी वैरायटी चल जाती है, कभी कड़वा, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी तीखा। अभी अभी हमने जो मेडिटेशन किया, वो भी क्या था? बैलेंस पर ही था ना। तो बैलेंस, जीवन में हर चीज को स्वीकार करें, हर रंग को स्वीकार करें। सारे ही गुलाब के फूल हो जाएं दुनिया में, मजा नहीं आता। थोड़ा सा गेंदा भी चाहिए, थोड़ी चमेली भी चाहिए, थोड़ा कमल भी चाहिए। तो अलग अलग, जैसे खाने में वैरायटी, जैसे दिखने में वैरायटी, जैसे कपड़ों में वैरायटी, तो उसमें चेंज लेकर आए, अपनी हैबिट्स में भी वैरायटी, कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें अपने अंदर। सैक्रल चक्र जो स्वाधिष्ठान चक्र है, उसके अंदर वो क्रिएटिविटी है, वो खिल जाए, वो खुल जाए, तो आपके अंदर बदलाव आने लगता है। तो वो क्रिएटिविटी को संसार को कुछ देने की कोशिश करें। अगर कुछ आगे चल के अभी बताता हूं, तो इसमें जो वो है क्रिएटिविटी। कपड़ों का शौक है तो कुछ नए पहने, कुछ नया अंदाज चलने दीजिए। ये सैक्रल चक्र के शौक बता रहा हूं आपको, इसी से जुड़े हुए हैं मेकअप वेकअप। मैं क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूं यहां पर, कुछ गलत मत समझो। क्रिएट करें कुछ नया, कुछ डिफरेंट, जो आपको नॉर्मल कंसेप्ट से बाहर हो, तो वो पोटेंशियल, उसकी ताकत जो है वो उभरने लगती है, वो काम आने लगती है, यूज में आने लगती है। वेरी पावरफुल। तो ये इसके शोक, इसके ऊपर है सारे शोक। इसके बाद आता है मणिपुर चक्र। अब मणिपुर चक्र जो होता है वो क्या करता है? मणिपुर चक्र की जो पोजीशन है वो नाभि से 2 इंच ऊपर होती है। ये चक्र क्या करता है? ये चक्र पद, यश, धन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्फिडेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विल पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप इस चक्र पर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो पैसा जनरेट करने की, पैसा होने की और मान सम्मान होने की इच्छा बहुत होगी आपके अंदर, कि मेरे अंदर एम्बिशंस बहुत होंगे, मान सम्मान चाहिए, होना चाहिए दुनिया में नाम, और ऑफकोर्स होना भी चाहिए। इसमें बुराई क्या है? आप आए किसी दुनिया में, एक सुंदर गुलाब खिला, लेकिन दुनिया को पता ही नहीं चला, किसी को पता ही नहीं चला, वृक्ष जंगल के एक कोने में छोटा सा गुलाब खिला, वो गुलाब खिले, उसकी खुशबू फैले जरा दुनिया में,
यश होना चाहिए, लोग हों, दो चार 10-20 लोगों के बीच में रहकर चले गए, मजा नहीं आता ना। थोड़ा पोटेंशियल उसको खिलने दीजिए, खिलने दीजिए। आप इस चक्र पर काम करेंगे, सर बीज मंत्र है रम, रम, RAM, रम। तो इसको जब चैंट करते हैं ना, ये चैंट कैसे करना है ये सब हमारे चैनल पर दिया हुआ है, बीज मंत्र चैंटिंग संजीव मलिक ढूंढेंगे, 7 चक्रा मेडिटेशन में सब दिया हुआ है। इसका बीज मंत्र है रम, इसको चैंट करने से या इस पर काम करने से आपके अंदर का ये टैलेंट उभरने लगता है। पैसा, ऑफ कोर्स सबसे बड़ा टैलेंट तो पैसा ही है, पैसा अपने आप में एक एक महा टैलेंट है। पैसा कमाने के जो गुण है वो भी उसी में आ जाते हैं। आप सबके पास अलग अलग वेज है लोगों को इम्प्रेस करने का, जो मणिपुर चक्कर वाला पर्सन होगा वो इम्प्रेस करने में, उसके अंदर एम्बिशन बहुत होंगे, जो उस पे जीता है उसके अंदर एम्बिशन बहुत होंगे। सारा जो अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज है ना, ये पहले दूसरे तीसरे चक्रों पर बहुत जीते हैं। इंडिया में हम लोग इस चक्र पर सबसे ज्यादा जीते हैं, हार्ट चक्र पर, और हार्ट चक्र पर जो इमोशंस में, भाव में जीते हैं, उसकी भी मैं बात करता हूँ, इसीलिए सेवा भाव ज्यादा है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर चक्र की। मणिपुर में, मणिपुर मतलब नाभि से 2 इंच ऊपर, ये जो चक्र है यहाँ जो पोटेंशियल है, ये पैसा कमाना और अपने अपने आप को एस्टेब्लिश करना, दुनिया में मान सम्मान होना चाहिए ना, मान सम्मान भी थोड़ा तो होना चाहिए ना, जहां जाओ कम से कम इतना रिस्पेक्ट तो हो। याद रखना, एक तरफ मैं नम्रता की बात भी करता हूँ, भूलना मत उस बात को। नम्रता का मतलब है मैं सब सारे गुण जो मेरे अंदर है मैं उसे परमात्मा को समर्पित करता हूँ। यहां तक बात समझ में आती है? बट एट द सेम टाइम याद रखें, इसमें आप अपने आप को लिमिट नहीं कर रहे हो। आप ये नहीं कह रहे हो कि मेरे अंदर नम्रता हो, आप ये नहीं कह रहे हो कि मेरे अंदर नम्रता हो तो मेरे अंदर कोई टैलेंट ना हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोनों, नम्रता अपनी जगह पर, टैलेंट है और नाम होना भी जरूरी है। नाम हो लेकिन अहंकार ना हो, ठीक है? लोग जाने आपको, अहंकार ना हो। अहंकार रहित तो होकर जी रहे हैं तो जाने लो, दिक्कत क्या है? डेफिनेटली जानने वाले होने चाहिए, नाम हो। अब कैसे उस पर काम करना है? जो भी आपके अंदर ऐसी चीज मौजूद हो, जो टैलेंट हो, देखें। अगर चाहिए दुनिया के बीच में नाम चाहिए ना, नाम चाहिए तो अपने आप को दुनिया की सेवा में लगाने की कोशिश करो। एकदम से आपका नाम नहीं होता, पहले कुछ दो दुनिया को। जो देने की कोशिश करता है उसको सहज मिल जाता है। हमें क्या होता है, हम दुनिया से लेकर इकट्ठा कर लें, नोट इकट्ठे कर लें या कुछ और। बेसिकली जब आप कुछ देते हो ना, अपने आप दुनिया आपको लौटाती है। अब जिन जिन लोगों के पास कोई भी टैलेंट था, जैसे लता मंगेशकर जी में टैलेंट था बोलने का, गाने का, गाया उन्होंने, गाया और खूब गाया, खूब दिया। आपको, आप जानते हैं सबसे ज्यादा फेमस वो कब हुई थी, जब उन्होंने फ्री में वो शो किया था, जहां से लोगों के लिए फंड्स रेज किए थे और एक चैरिटी में डाले थे, और उसके बाद वो बहुत फेमस हो गई थी। तो जिन्होंने भी संसार के लिए कुछ किया, सेवा भाव से कुछ दिया, उन्हीं का फिर नाम हुआ। गुरवाणी में भी वचन आते, जिन सेवया तिन पाया माण, नानक गावे गुणी निधान। तो जिन्होंने भी संसार की सेवा करी, एक दिन उनको सम्मान मिला। हम चाहते हैं कि लोग सम्मान करें, लेकिन हम सेवा को नहीं पकड़ते। तो अगर चाहिए आज नहीं तो कल सम्मान मिलेगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर तदबीर से पहले, वो समय भी आएगा, उससे पहले अपने आप को मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, एक वो समय भी आएगा, लेकिन उससे पहले अपने आप को सेवा में लगाना, जो भी टैलेंट है उस पर काम करना। पैसा है तो पैसा कमाए, एक्सप्लोर करें, एक्सपेंड करें, बढ़ने दें इस टैलेंट को, मणिपुर चक्र को एक्सपेंड होने दें। तो रम बीज मंत्र है, सूर्य इसके देवता है, सूर्य देव को कौन नहीं जानता दुनिया में, मतलब इस पर काम करने वाला सूर्य देव की अगर आराधना करे, सूर्योदय से पहले उठे, सूर्य गायत्री मंत्र की चैंटिंग करे, तो मान सम्मान बढ़ेगा और ये चक्र एक्सप्लोर होगा, बढ़ेगा, इस चक्र की पावर जो है ना एक्सप्लोर होगी। और अपने कॉन्फिडेंस पर काम करें, कुछ ऐसा करें जो सामने लोगों के दे पाए, रख पाए, मतलब लोगों को कुछ दे पाए। तो वो जो पार्ट है जिंदगी का जो अनएक्सप्लोर्ड है, जिस पर आपने अभी तक काम नहीं किया, खप नहीं जाना, ऐसे ही नहीं मर जाना, कुछ काम करके, ऐसा काम करके जाएं कि सच में कुछ होना चाहिए। नाम है
नाम है तभी तो आप समर्पण भी कर पाओगे, जिसके पास कुछ है वो ही तभी तो दे पाएगा, जब कोई है ही नहीं पहले से नंगा है तो फिर वो क्या करेगा। तो होना भी जरूरी है कुछ देने के लिए भी, तो सेवा के लिए भी तो चाहिए ना ये। इसके बाद आते हैं मणिपुर चक्र पर, हृदय सॉरी हृदय चक्र पर, हार्ट सेंटर पर। अब हार्ट चक्र का जो अपना गुण है, जो क्वालिटी है, वो है प्रेम, लव, अनाहत चक्र भी कहते हैं इसको, ये है हृदय के सेंटर में। अब जो हार्ट चक्र वाले लोग हैं उनके अंदर इमोशंस बहुत होते हैं, भाव बड़े होते हैं, भाव है तो भावों को शब्द दीजिए किसी भी रूप में, या गाकर। ये चक्र की ऊर्जा जब ऊपर उठेगी ना तो यहाँ आएगी। तो जिसने अपने भावों को सही दिशा दी, जिसने अपने भावों को सही दिशा दी, वो गाया उसने, तो गाने से उसके जीवन में बदलाव, मतलब वो जो एक्सप्रेस किया, तो ये लोग ही इतने फेमस हो जाते हैं, यानी जो सिंगर बनते हैं। और जो जितने भाव से गाता है, ये ऊर्जा ऊपर उठी, थ्रोट पर आ गई। तो ये जो इमोशंस हैं यहाँ पर, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इमोशंस को वेस्ट नहीं करना, अगर आप इसके पीछे डाउनफॉल में चले गए तो लोग इमोशंस के पीछे पागल हो जाते हैं। तो इमोशंस को किसी लोअर कैटेगरी से जोड़ दिया, किसी के पीछे अपना टाइम वेस्ट करते रहे, बर्बाद करते रहे, किसी भी अरे गहरे के को अपना सब कुछ समर्पित कर कुरा के और खत्म कर दिया अपना जीवन। नहीं नहीं, इस इमोशन को भी उभरने दो, कुछ लिखो इफ पॉसिबल, उसे शब्द दो, कोई पोएट्री, कोई गाना, कोई म्यूजिक, कुछ कंपोज करो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आता है तो इसको एक्सप्लोर करो, इसके अंदर बहुत टैलेंट छुपे हैं, बहुत टैलेंट। और लोगों की सेवा करो, ये टैलेंट सबसे बड़ा है। मन में बार बार करुणा पैदा होती है, कंपैशन पैदा होता है, काश इस संसार के लिए कुछ कर सकूं, तो करो, ये चक्र खुलेगा, एक्सप्लोर करो, इसके अंदर अपार टैलेंट मौजूद है, अपार ताकतें मौजूद है। सारे के सारे काउंसलर बनो, लोगों के दर्द को समझो, ये इसका टैलेंट है। काउंसलर बनो और या एम्पेथाइज करने वाले लोग, जो जितने भी एनजीओ चलाने वाले लोग हैं ना, वो इस चक्र पर जीते हैं। तो इमोशंस है, भाव है, भक्ति है, इसी चक्र पर भक्ति है। तो इमोशंस को कनेक्ट कर दिया आपने हायर पावर के साथ, सबको कनेक्ट कर दिया अपने टॉप मोस्ट यहां पर क्या है, यहां परमात्मा। तो इसको इमोशंस को नीचे की तरफ नहीं जाने देना, माफ करना, नीचे गया तो ये सेक्स चक्र पर जाएगा ये। इसलिए आम लोगों के जो बॉलीवुड वाला प्यार होता है, वो यहां से नीचे जाता हुआ वो उसी संसारी काम वासना में चला जाता है। इसलिए उस प्यार की कोई खास कीमत नहीं है, दो टके का प्यार है वो, किसकी क्या कीमत है। यही प्यार ऊपर उठा, अगर इमोशंस हैं, भाव हैं, और ये भाव ऊपर उठा, ये एक यहां पर आया तो गाना बन गया, भाव बन गया, सॉन्ग बन गया, गाया आपने परमात्मा के लिए, गाया तो भजन बन गया। यही भाव, यही वाला भाव, इमोशन ऊपर उठे, थर्ड आई पर आए, तो यहाँ आप, यहाँ तो हजारों हजारों पॉसिबिलिटीज खुलनी शुरू हो जाती हैं। थर्ड आई का मतलब, थर्ड आई पर मैं आता हूं अभी, मेन बात है कि इस चक्र को खोलना, इस चक्र पर काम करना, एक्सप्लोर करना। तो करें काम, इसका बीज मंत्र है यम, और यहाँ के देवता हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव की आराधना या इस चक्र पर काम करें, यम बीज मंत्र की चैंटिंग, तो यम यम यम, ये बीज मंत्र होता है, ऐसे चैंट किया जाता है। चैंट करने का तरीका हमारे वीडियो में बताया हुआ है। इस पर काम करके इसे एक्सप्लोर करें, और इसके साथ जुड़े हुए जो टैलेंट्स हैं उसको उभारें। अगर आप इस जो कि अधिकतर लोग यहां पर जीते हैं, 70-80% लोग यहां पर जीते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि सेवा करो, ये चक्र खुलता है। किसी को अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाओ, ये चक्र खुलता है, बड़ा काम आता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो दूसरों के लिए कुछ कर पाओ, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आओ, क्योंकि अधिकतर लोग जीते हैं इंडिया में, 70-80% लोग। ये सेम नहीं है अफ्रीका में, हमने सेवा के लिए प्रोजेक्ट चालू किया, लोग देते नहीं है वहां, डोनर ही नहीं है वहां पर, कोई देने वाला नहीं है। यहां देने वाले दुनिया है, क्योंकि यहां जीने वाले लोग हैं, ये बहुत उत्तम है। इसीलिए एक दिन इंडिया, भारत जो है, हमारा देश जो है, दुनिया का बादशाह होगा, हुआ भी है, पहले भी हुआ है, बस हमारी डिसइंटीग्रेशन ने वो टाइम खराब कर दिया। चलिए, मेरा टॉपिक ये है, वो है इमोशंस को सही दिशा देना। हम इमोशनल लोग हैं, भाव वाले लोग हैं, इस भाव को दिशा देना। तो सेवा के द्वारा पोइट्री लिखना, गाना गाना या भजन गाना, या इमोशंस के से इमोशंस का सदुपयोग करने के लिए
परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाना, सदुपयोग होगा इसका, खुल जाएगा ये चक्र। किसी अरे गरे के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करना। इसके बाद आता है थ्रॉट चक्र। थ्रॉट चक्र तो है ही, अब आपको पता ही है, गाना गाना, एक्सप्रेस करना अपनी बात को, जो टैलेंट है, बोलने का इच्छा होती है मन में कि मैं भी कुछ कह सकूं, लोग मेरी बात को भी सुने, एक्सप्रेसिव हो सके, तो गाइए गाइए, लोगों की सेवा कीजिए या बोलिए अपनी बात को, वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए। सभी से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कुछ तो बनाए, कुछ तो बनाए। अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, हम अब ये नंबर दे रहे हैं हमारे ये सिस्टर रूहानी, यहाँ पर आपको इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनसे यहाँ पर आप अपने टैलेंट के लिए, मतलब अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, नंबर दिया हुआ, इस पर आप अपना टैलेंट भेजें, कोई वीडियो बनाकर किसी फॉर्म में, हम सेलेक्ट करेंगे, अगर कुछ होगा सेलेक्ट करेंगे कि हाँ आपके पास ये टैलेंट मौजूद, अगर आप चाहते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म दे सकते हैं इसके लिए कि आप ठीक है अगर एक्सप्लोर करो अपने आप को तो चाहने वाले हो जाएंगे लोग, अगर है कोई भी ऐसा गुण। लेकिन कुछ क्वालिटी तो होनी चाहिए ना, एक लोअर स्टैंडर्ड तो आप भी पास करके रखना, तभी आपको यहाँ पर ऑफकोर्स जगह दी जाएगी अकॉर्डिंगली। आप सभी समझ आ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप इसको अपने भीतर जांच सकते हैं। तो ये हमने बात करी अपने टैलेंट को उभारने के लिए थ्रॉट चक्र की पावर। थ्रॉट चक्र पर है गाना, अगर गाना आता है, सिंगिंग आती है, बोलना आता है या लिखना आता है, किसी भी वे में आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं तो करिए। यहाँ अपार पोटेंशियल है, अपार पोटेंशियल को खुलने दीजिए। इसका बीज मंत्र है हम, तो हमिंग करने से, जैसे ये जो हमिंग वाला जो होता है ना भ्रामरी प्राणायाम जिसे बोलते हैं, ये प्राणायाम करने से ये थ्रोट चक्र एक्सपेंड होता है, खुलता है। ये खुले तो फिर आप उसके द्वारा दुनिया की सेवा कर पाए, विचार पैदा होते हैं इससे। आप इसी विचारों को सुनने के लिए तो आए हैं ना, यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं इस समय में, तो ये विचारों के कारण ही है ना, ये चक्र पर किया हुआ काम है जो आप फील कर पा रहे हैं। ये चक्र सभी चक्रों पर अलग अलग लेवल पर काम किया है, राइट? तो सभी चक्रों का सदुपयोग होगा, ये होगा ये आपका थ्रोट चक्र। इसके ऊपर अब आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पर काम कैसे होगा, इसका बीज मंत्र है ओम। आज्ञा चक्र पर अपार पोटेंशियल है, अपार। यहाँ जो भाव है ये ध्यान वाले हैं। अब ध्यान के लिए मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता सकता, बट यहाँ इंट्यूशन ज्यादा आती है, मुझे फील होता है, मुझे इंट्यूशन आती है, मुझे पता चलता है कि इस तरह से जो भी आपके अंदर जो पोटेंशियल था, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, इंट्यूशंस को सही दिशा दे पाना। तो इसका सबसे उत्तम उपयोग है कि इस जगह पर अपने इष्ट और गुरु का ध्यान करें, तो गुरु के जो गुण हैं वो आप में अब्सॉर्ब होने शुरू हो जाएंगे। ये वो स्थान है या जिसका भी ध्यान करोगे उसी के गुण आप में आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हमारे समाज में व्यवस्था बनाएगी कि स्त्रियों के यहाँ पर बिंदी लगा देगी और बिंदियों को जोड़ दिया गया पति के साथ, भाई उसके साथ ही कनेक्शन बना रहेगा। ये कनेक्शन है, जिस तरफ भी जिसका भी ध्यान यहाँ किया जाएगा ना, वो आपके जीवन में सर्वोपरि होने लगेगा। तो किसी अरे गरे का ध्यान यहाँ मत बिठा लेना, बिठाना तो फिर ऐसे का बिठाना जहां से कुछ गुण मिलते हों, जिसके जो गुण हो ना उस गुणों का चिंतन करना बस। जैसे मान लीजिए किसी अपने पति का ही लगा रहे हैं, कोई बात नहीं करें, लेकिन पति के अवगुणों को नहीं। फिर अगर यहां बैठकर पति के अवगुणों का ध्यान करोगे तो अवगुण आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे, याद रखना। जिस चीज को याद करो, इसलिए आप देखते हैं मेरे जो मेडिटेशन हम कराते हैं, मेरे सदगुरु के गुण क्या है, बार बार उन गुणों पर चिंता करते हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, ज्ञान की मूर्ति है वो, सुख देने वाले हैं, आनंद देने वाले। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सिर्फ उन्हीं की बात नहीं हो रही, इसका मतलब है कि वो गुण मेरे अंदर भी अब्सॉर्ब हो जाए, मेरे अंदर भी आ जाए। तो ये जो स्थान है वो ये है, इस पर काम करें, उभारें इस टैलेंट को। लास्ट जो पॉइंट है वो है क्राउन। क्राउन क्राउन एब्सोल्यूट अवेयरनेस है, शुद्ध है, वो आपके जीवन को एक पर्पस देता है, लक्ष्य देता है। ये यहीं से तो कह रहा हूं मैं आपको सारी बातें, आपकी सारी ऊर्जा इसी तरफ जाने के लिए तो आपको आपको मैं ये मोटिवेट कर रहा हूं कि आप किसी तरीके से इस जीवन ऊर्जा को ऊपर की ओर उठने दें, क्राउन की ओर उठने दें। करिए मेहनत, अभी बड़ी ताकत है आपके अंदर, अपार अपार हिम्मत है, अपार जोश है आपके अंदर। अलग अलग टैलेंट्स पर काम करें,
उभरने दें उन्हें, ऐसे ही अनएक्सप्लोर्ड मत चले जाना। परमात्मा ने बहुत कुछ देकर भेजा है। देखिए हर एक का जो अंगूठे के सिग्नेचर होते हैं यूनिक होते हैं ना, होते हैं ना, परमात्मा ने आपके अंगूठे जैसा अंगूठा आज तक ना दुनिया में बनाया है और ना आती दुनिया तक कभी बनाएगा। सोचिए आधार कार्ड में तभी तो यूज होता है ये अंगूठा, राइट? तो इतना यूनिक बनाया है। अरे जिसने वृक्ष के ऊपर अगर 1 करोड़ पत्ते भी हो ना, परमात्मा ने कोई पत्ते रिपीट नहीं किया आज तक, उसने दूसरा पत्ता बनाया ही नहीं। आपके जैसा दूसरा व्यक्ति वो कैसे बना सकता है? और जब आपके अंदर इतना, आप इतने यूनिक हैं, इतने विशेष हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर कोई तो गुण होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा जो दुनिया से बिल्कुल अलग होगा, उस पर काम करें। मेरी आज की रिक्वेस्ट ये है कि आज का थोड़ा टाइम लेकर वर्क ऑन इट, लिखें अपने कुछ टैलेंट्स को और उनमें से वो एक्सप्लोर करें। हर चक्र पे जो टैलेंट है ना उस पर एक्सप्लोर करें कि मेरा कौन सा चक्र सबसे स्ट्रॉन्ग है या नियर अबाउट स्ट्रॉन्ग है, और उस पर काम करते हुए उसको उभारने की कोशिश करें, उसके रिलेटेड कोई भी क्रिया, कोई भी एक्सरसाइज करें। बात समझ में आ गई होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ तो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी ये भाव, ये गुरुदेव की कृपा जो बरसी है, ये सब आइडियाज मेडिटेशन में बैठ कर देते हैं। मेडिटेशन करता हूँ तो अपने लिए हूँ, लेकिन घूम फिर के सारी बातें आपके लिए आ जाती हैं कि भाई ये जो लोग हैं ये अनएक्सप्लोर्ड ना चले जाएं, जीवन में महानतम ऊंचाइयों को पा सकें, ऐसा इनको निर्देश देने की कोशिश करो। अगर आप जुड़े हैं तो वो सारी गाइडेंस जो ऊपर से आती है आपको दी जा रही है। परमात्मा आपको अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर पहुंचाए, मेरी आप सबके लिए दिल से शुभ दुआ है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।